Hello friends, welcome again to my YouTube channel Fabulous Study Academy. Friends, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन करने के बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे अफ्रीका की, ठीक है। इसके पहले मैंने दो इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था, वर्ल्ड इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने उत्तरी अमेरिका के इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला, फिर दक्षिणी अमेरिका का डाला, और आज हम लोग जानेंगे अफ्रीका के बारे में, इसकी सारी देशों की स्थिति, इसमें जो मुख्य लैंड फॉर्म्स है उसकी स्थिति, मुख्य जो नदी है, मुख्य जो पर्वत शिखर है उसकी स्थिति, ठीक है। चूँकि मैंने अपने सारे वीडियो में ये बतलाया है कि मैं सारी नदियों की, सारे पर्वतों की यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं महादेशों का, महाद्वीपों का। इसके बाद हम लोग जब सेपरेट वीडियो देखेंगे विश्व की नदियाँ, विश्व के पर्वत, विश्व के मरुस्थल, तब उसमें हम उसको डीपली जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अफ्रीका में जो पूरे देशों की संख्या वो कितनी है, वो है 55, यानी 55 देश हैं अफ्रीका में, पूरे 55 देश हैं, जिसमें से 6 द्वीपीय देश हैं और 49 यानी 59 मुख्य भूमि के देश हैं, ठीक है। अब द्वीपीय देश क्या हुआ कि वैसे देश जो जल राशियों में है, चारों तरफ से जल से घिरे हैं, वो द्वीपीय देश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 55 जो देश हैं उसमें से 6 जो द्वीपीय देश है उसकी स्थिति हम देखते हैं। तो 6 द्वीपीय देश में पहला जो है ये है सेसेल्स, ठीक है। सेसेल्स है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, और इधर एक पड़ता है साओ टोम, और इधर ये है केप वर्डे, ठीक है। तो ये 6 महाद्वीपीय, सॉरी द्वीपीय देश है अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। कौन कौन है फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन, सेसल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, साओ टोम एंड केप वर्डे, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीपीय देश है वो कौन है, वो है मेडागास्कर, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। तो अफ्रीका महादेश की जो सबसे बड़ी द्वीपीय देश है वो कौन है, मेडागास्कर है, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है। इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़े देशों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी देश जो है क्षेत्रफल में वो है अल्जीरिया, और जनसंख्या में बात करें तो वो है नाइजीरिया, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और जनसंख्या में नाइजीरिया, ठीक है। और मैं बता देना चाहूँगा नाइजीरिया में दो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम यानी कि उन वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे जनजातियों के लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को बता देता हूँ। नाइजीरिया में दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, एक है हाउसा और एक है फुलानी। हाउसा जनजाति जो है वो कृषक हैं, और फुलानी जनजाति जो होती है वो पशुपालक होती हैं, ठीक है। और सारे फैक्ट्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कितने देश हैं, 55 देश हैं, उसमें से द्वीपीय देश हमने देखा 6, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा जो द्वीपीय देश है वह है मेडागास्कर। देखिए, तंजानिया के बगल में यहाँ पे दो द्वीप हैं, देश नहीं है, छोटे छोटे दो द्वीप हैं, एक है ये है, देखिए ये है पम्बा, ठीक है, पेम्बा है, और दूसरा है जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार ये दोनों ऐसे द्वीप हैं जिन पर दुनिया की, पूरे विश्व की 90% लौंग और इलायची का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यानी कि अफ्रीका में स्थित जो जो द्वीप हैं पेम्बा और जंजीबार, वहाँ पे बहुतायत मात्रा में इलायची और लौंग का उत्पादन होता है। लगभग दुनिया का 90% इलायची और लौंग इसी दोनों द्वीप पे पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन द्वीप हैं, पेम्बा और जंजीबार। तो इनको याद रखने के, पेम्बा और जंजीबार जो अफ्रीका के द्वीप हैं वो किस क्षेत्र में जाने जाते हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो लौंग और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें जो यहाँ पे एक लेक पड़ती है विक्टोरिया लेक, ठीक है, सॉरी उसमें देखते हैं, फिजिकल मैप में देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे विक्टोरिया लेक है, यहाँ पे एक लेक पड़ती है विक्टोरिया लेक, और नील नदी का जो उद्गम क्षेत्र इसी को माना जाता है, नील नदी का उद्गम क्षेत्र विक्टोरिया लेक को ही माना जाता है, जबकि यहाँ से जो नील नदी निकलती है वो व्हाइट नील होती है, और एक यहाँ पे लेक है, लेक
टरकाना, लेक टरकाना है, वहाँ से ब्लू नील निकलती है, यहाँ से ब्लू नील निकलती है और यहाँ से व्हाइट नील निकलती है। जब ये सूडान में जा करके मिलती हैं दोनों, तो वहाँ से इनका नाम जो है वो ये नील पड़ता है, ठीक है। ये व्हाइट नील और इधर से ब्लू नील दोनों जगह सूडान में मिल जाती हैं, वहाँ से ये नील नदी कही जाती है और ये जाके भूमध्य सागर में अर्थात मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती हैं, ठीक है। और मैंने बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन विश्व का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो उसमें मैं बताया था कि मेडिटेरियन सी किधर है, रेड सी किधर है, सब मैं बताया था, ठीक है। तो अगर इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमने देखा अभी नील नदी की अवस्थिति। नील नदी किस लिए फेमस है? नील नदी इसलिए फेमस है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? वो है नील नदी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई की बात करें, तो लंबाई की बात हम लोग करेंगे जब नदियों की चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। बस मैं ऊपर ऊपर फैक्ट्स बता दे रहा हूँ कि कौन सी यहाँ पे मेन पर्वत शिखर है, नदियाँ हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट नदियों के बारे में, पर्वत शिखर के बारे में, तब वहाँ पे लंबाई चौड़ाई जो भी होगी, उसका अपवाह क्षेत्र कितना किलोमीटर में है, सब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ये सब इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं, इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट्स की जिक्र नहीं करूंगा, या इसमें हम सिर्फ स्थिति के बारे में जानेंगे, कुछ देशों की अवस्थिति जानेंगे, कुछ वहाँ पे जो मेन पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, मैं सब अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और मैं इतना दावा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे सारे मैप्स वीडियोज़ को देख लिए अच्छे से, मैप के सेक्टर से कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उतनी तथ्य को समाहित नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे मैं बस वही तथ्य को समाहित करूँगा जो कि इंट्रोडक्शन के तौर पे किया जाना चाहिए और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने देख लिया, उसके बाद हम अगर देखते हैं यहाँ पे सबसे विस्तृत जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला कौन है? वो है एटलस। एटलस माउंट जो है सबसे विस्तृत माउंट से सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, जो कि दो देशों में फैली हुई है, इधर पड़ता है मोरक्को और यहाँ पड़ता है अल्जीरिया। मोरक्को और अल्जीरिया में एटलस पर्वत श्रृंखला की विस्तार है, और एटलस पर्वत श्रृंखला की हम सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो वह है माउंट टूबकल। माउंट टूबकल जो है वो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन पूरी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वह है माउंट किलीमंजारो। पूरी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट किलीमंजारो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमने आप लोगों ने नाम सुना होगा सहारा। सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में ही पाई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में सहारा, देखिए सहारा इतना दूर में फैला हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये सहारा है, और दूसरा एक और मरुस्थल यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है वो है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल का जो विस्तार है वो तीन देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका। इधर पड़ता है नामीबिया, ये होता है बोत्सवाना और ये है फिर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। वैसे हम लोग मरुस्थल जब पढ़ेंगे तब इसमें और कुछ मरुस्थलों की, छोटी छोटी मरुस्थलों की भी जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जान लिए, और लेक चार्ड जो है, चार्ड लेक पड़ता है वो भी थोड़ा सा फेमस है, तो उसको भी यहाँ पे देख स्थिति उसकी याद रखिएगा कि चार्ड लेक जो है वहाँ यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं गिन्नी की खाड़ी, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी अर्थात गिनी की खाड़ी, ठीक है। तो गिनी की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? अगर पूछा जाए कि गिनी की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो गिनी की खाड़ी अवस्थित है अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी है, ठीक है, जो कि अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ठीक है। और इधर अटलांटिक महासागर है, इधर और इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर है, इधर देखें अफ्रीका के ऊपर तो इधर रेड सी है अर्थात लाल सागर है, और इधर इसके बाद पड़ जाता है एशिया, और इसके जस्ट ऊपर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अध्ययन किए हैं, इसके बाद हम लोग अफ्रीका पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सॉरी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो हमने ये देखा इसकी स्थिति, और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करें, जो हमने पाम्बा और जंजीबार की बात कर ही ली। पाम्बा और जंजीबार जो है किस लिए प्रसिद्ध है? इलायची और लौंग के उत्पादन के लिए। केप डेलगाडो फ्रेंड्स, मैंने अपने शायद दो तीन वीडियोज में बता चुका है इसके पहले, केप क्या होते हैं। केप को हम हिंदी में अंतरीप कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम जो है वो केप ऑफ गुड होप है, यही है केप ऑफ गुड होप, जिसको हम हिंदी में उत्माशा अंतरीप कहते हैं।
आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो पहले यूरोपीय आते थे व्यापार करने के लिए, तो केप ऑफ गुड होप होते हुए आते थे, यानी कि इधर से आते थे। तो पहले क्या था कि यहाँ पे एक नहर है, स्वेज नहर, यहाँ पे एक स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण 1869 में हुआ। तो उस समय से तो मेडिटेरेनियन सी होते हुए यहाँ पे एशिया में आ जाते हैं यूरोपीय। लेकिन जब ये 1869 तक जब ये नहीं बना था, उसके पहले वे लोग क्या करते थे, यूरोप से इधर से घूमते हुए और इधर होते हुए नीचे जाके केप ऑफ गुड होप होते हुए ही एशिया पहुँचते थे, ठीक है। लेकिन जब से स्वेज नहर का निर्माण हो गया 1869 से, तब से ये परेशानी जो हो उन लोग की दूर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इसके बड़े देश के बारे में। हम लोग ने जाना जो है सबसे बड़ा देश जनसंख्या में देखें तो अल्जीरिया है, और सॉरी क्षेत्रफल में देखें सबसे बड़ा देश तो अल्जीरिया है, और जनसंख्या में नाइजीरिया है, ठीक है। एक यहाँ पे देश पड़ता है इजिप्ट, जिसको हम मिस्र कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस देश है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा मिस्र की जो स्थिति है वहाँ पे रेड सी के बगल में है, ठीक है। और नील नदी जो है मिस्र होते हुए ही जाती है और भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद हमने बैक्टीरिया विक्टोरिया झील देख ही लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस लाइन में बहुत सारी झील हैं, इसमें यहाँ पे झील है, यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे झील है, फिर यहाँ पे झील है, फिर यहाँ पे झील है, ठीक है। तो ये क्यों है इसके बारे में हम लोग अच्छे से तब समझेंगे जब मैं अध्ययन कराऊंगा महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का, ठीक है। तो उस समय हम लोग अच्छे से जानेंगे ये आखिर यहाँ पे पूरे लाइन से पूरे सीक्वेंस में क्यों झीलें पाई जाती हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और बात बता दूँ संक्षिप्त में, कि यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ दिन लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो होगा अफ्रीका का ये भी भाग अलग हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो था एक ही महाद्वीप था, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में अच्छे से चर्चा करूंगा। पहले जो था एक ही महाद्वीप था, बाद में जब उसका विस्थापन हुआ, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा प्रूफ किया जाता है, तो विस्थापन हुआ तो सारे महाद्वीप अलग अलग हो गए, ठीक है। और आप लोग को मैं उस समय बताऊंगा कि जब देशों की जो बाउंड्रीज है उसको एक देश दूसरे महाद्वीप तीसरे महाद्वीप से हम लोग जोड़ के उसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप छोटी से मैं दे देता हूँ, ये जो मेडागास्कर है इससे अलग हुआ, देखिए मेडागास्कर का जो शेप है इसमें जाके अच्छे से बैठ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग भारत के भी यहाँ पे भारत भी इसी का हिस्सा है, और वो कहाँ का हिस्सा है ये सब हम लोग जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तब, ठीक है। और देखिए अफ्रीका ही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन रेखाएं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा जो गुजरती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं, वो है अफ्रीका, ठीक है। और विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरती है, और वो 7 देश कौन कौन से हैं? वो 7 देश है साओ टोम, जो मैंने महाद्वीपीय देश बताया था, साओ टोम, गैबन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो 3 हुए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो 4 हुए, फिर यहाँ पे पड़ता है युगांडा 5, नैरोबी 6, सॉरी केन्या 6, और ये सोमालिया 5, सॉरी 7, ठीक है। यानी कि यही 7 देशों से कौन कौन, साओ टोम, गैबोन और रिपब्लिक ऑफ द कंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया, ठीक है। इन 7 देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। और जो तीनों रेखाएं हैं एक साथ गुजरती है सिर्फ और सिर्फ एक ही महाद्वीप से, कौन है? अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सब देख ही लिया। मैंने फिर बताया कालाहारी मरुस्थल और ये सहारा मरुस्थल जो कि इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर सब देशों में फैला हुआ है वो सहारा मरुस्थल हमने देख लिया। और हाँ अफ्रीका से ये भी पूछा जाता है, कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मेडागास्कर द्वीपीय देश है, जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका से किस चैनल द्वारा अलग होता है? तो मेडागास्कर और अफ्रीका को अलग करने वाली जो चैनल है वह है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो अफ्रीका और मेडागास्कर को अलग करने वाली चैनल है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। और साउथ अफ्रीका जो देश है वो कहाँ पे है? सबसे साउथ में, यानी कि दक्षिण में स्थित है अफ्रीका के, यही साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में एक जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग में सोने की खान जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना जो है वो जोहान्सबर्ग से ही प्राप्त किया जाता है। जोहान्सबर्ग खान कहाँ पे है? वो दक्षिणी अमेरिका अर्थात सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है।
तो याद रखना है कि जोहान्सबर्ग जो खान है, जो जहाँ से सोने की बहुतायत मात्रा में प्राप्ति होती है, वो कहाँ पे है? वो दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, तो वैसे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन की बातें थी उसको मैंने समाहित किया। मैंने एटलस के बारे में बताया, मैंने माउंट किलिमंजारो की स्थिति बतलाई, उसके बाद हम लोग ने देखा यहाँ की जो मुख्य नदी है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी, उसकी अवस्थिति हमने देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कांगो में एक देश, एक नदी पाई जाती है कांगो नदी, जिसको हम नाइजर नदी भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इधर फिजिकल में होगा अच्छे से। तो कांगो नदी यहाँ पे एक पाई जाती है, देखिए इक्वेटर, हाँ यहाँ पे कांगो नदी पाई जाती है कांगो देश में, जो कि विषुवत रेखा को दो बार काटती है। तो अगर पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को दो बार क्रॉस करती है। ठीक है, इसको नाइजर भी कहते हैं, नाइजर नदी भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार क्रॉस करती है, तो वो सिर्फ एक ही नदी है, कौन है? कांगो या नाइजर। ठीक है, और इसी में एक नीचे नदी पड़ती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो रिवर जो है वो मकर रेखा अर्थात 23.5 डिग्री दक्षिणी देश अक्षांश जो है उसको दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी की जो अवस्थिति है वो कहाँ है? लिम्पोपो नदी जो है दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना जिम्बिया के बॉर्डर पे पड़ती है। ये दक्षिणी अफ्रीका, यह है बोत्सवाना, यह है जिम्बिया। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, सॉरी जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आती है इधर और यहाँ से इसको फिर क्रॉस करती है। ठीक है, और यानी कि ये लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, और जब हम पूछे कि कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है। जब हम लोग बढ़ेंगे एशिया तब हम लोग जानेंगे कि माही नदी की अवस्थिति कहाँ पे है। तो बस याद रखना है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी है। और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो या नाइजर नदी है। ठीक है, हमने ये देख ही लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। हाँ, हमने देखा एटलास की स्थिति, देखा हमने किलिमंजारो की स्थिति देखी, और हमने इसके जो सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से, और फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने सब देखा। इधर इसको बोलते हैं गिन्नी की खाड़ी। ठीक है, इधर शायद मैंने ऊपर बताया अभी, गिन्नी की खाड़ी गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो पूछा जाए कि गिन्नी की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो गिन्नी की खाड़ी जो अवस्थित है वो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, यानी अफ्रीका के पास पड़ने वाली खाड़ी है गिन्नी की खाड़ी। और फ्रेंड्स जो अफ्रीका है वो अधिकतर पठारी क्षेत्र वाला देश है, यानी अधिकतर पठार पाए जाते हैं, ये पठारी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र का और पर्वतीय क्षेत्र का जो हम अगर बात करें तो उसमें जो अंतर होता है, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं यानी पर्वत जो होता है नुकीला होता है, उसका शिखर होता है, लेकिन पठार जो होता है वो स्लैप होता है। ठीक है, स्लैप होता है, पठारीय क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम अंध महादेश भी कहते हैं। अफ्रीका को हम और कौन से महादेश के नाम से जानते हैं? इसको हम अंध महादेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और वैसे ही अटलांटिक ओशियन को भी हम अंध ओशियन, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, तो अंध महासागर की अगर बात है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हम अटलांटिक महासागर को ही हम अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ये जो अफ्रीका है वो कैसी, किस तरह की यहाँ पे भूमि पाई जाती है, यहाँ पे अधिकतर पठारीय भूमि पाई जाती है। ठीक है, हमने पेम्बा और जंजीवारा की स्थिति देखी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछा जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया और केन्या। सोमालिया, इथोपिया और केन्या मिलाकर के कौन से देश कहे जाते हैं? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है पशुपालन का एक अच्छा, मतलब कहिए तो स्थान है, यहाँ पे पशुपालन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछा जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो केन्या, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है, जहाँ पे पशुपालन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो हमने नदियों के कुछ फैक्ट्स देखा, हमने नील नदी देखा। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो खान है यहाँ पे, जो प्रसिद्ध खान है जहाँ से सोने की सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होती है, उसको हमने देखा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के पास सूडान में, सॉरी विषुवत रेखा ये है। ठीक है, इसके ऊपर जो सूडान में है वहाँ पे एक
विषुवत रेखा के मतलब समझिए तो चारों तरफ, अधिकतर सूडान इसके लिए प्रसिद्ध है, वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन इसलिए कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र में होते हैं और इस क्षेत्र में हमेशा सालों भर बारिश होती है, ठीक है, तो उसको सदाबहार या वर्षा वन कहते हैं, जो सूडान में पाए जाते हैं। और सूडान में एक तरह का घास पाया जाता है, उसको सवाना कहते हैं। सवाना घास का मैदान जो है वो सूडान में ही पाया जाता है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में प्रेयरी जलवायु पाई जाती है, जब प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। जब मैं ग्रेट लेक्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने इस तरह की घास की चर्चा की थी, प्रेयरी, ठीक है। तो प्रेयरी जलवायु ग्रेट लेक्स के पास भी पाई जाती है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। और जब दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे भी प्रेयरी टाइप की जलवायु पाई जाती है, वहाँ पे जो प्रेयरी घास पाई जाती है उसको हम वेल्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने दक्षिणी अमेरिका में बतलाया था कि वहाँ पे जो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो याद रखना है कि यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरी घास के मैदान, इसे हम वेल्ड कहते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र को हम वेल्ड क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और वेल्ड क्षेत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता फ्रेंड्स ये है कि इस क्षेत्र में जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हमने जब ग्रेट लेक्स पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि वहाँ पे मक्का का उत्पादन अधिक होता है, वहाँ के जो मक्के होते हैं उच्च क्वालिटी के मक्के होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे भी ये वेल्ड क्षेत्र में भी मक्का का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम मक्का त्रिभुज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम मक्का त्रिभुज के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की भेड़ों का पालन किया जाता है जिसको मेरिनो भेड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेरिनो भेड़ का उत्पादन कहाँ होता है, तो मेरिनो भेड़ का उत्पादन वेल्ड क्षेत्र में होता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया कि जो प्रेयरीज घास के मैदान जो है जिसे वेल्ड कहते हैं, किस तरह की घास है, मैंने पिछले वीडियो में ही बतलाया था, ये मुलायम और लंबी घास होती है, लंबे और मुलायम तरह की घास होती है प्रेयरी, ठीक है, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इसे हम वेल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में मैंने बताया था कि वहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेनेजुएला में और गुयाना में जो पाया जाता है उसको लानोस कहते हैं, और दक्षिणी ब्राजील में जो पाया जाता है उसे हम कैंपोस कहते हैं, ठीक है। तो इस सब बातों को क्लियर करने के लिए आप मेरा दक्षिण अमेरिका वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी बातें समाहित करनी चाहिए थी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, यहाँ पे मैंने समाहित किया। और इसके बाद हम लोग, आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग अभी पूरे महाद्वीप की चर्चा नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ, महाद्वीप की स्थिति को बतलाया हूँ। इसके बाद हम लोग जब सारे महाद्वीप की जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे विश्व की नदियाँ, तो उसमें हम सारी नदियों की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के पर्वत, उसमें हम लोग सारे पर्वतों की चर्चा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल, उसमें सारे मरुस्थलों की हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमने फैक्ट्स बहुत कम ही बताया, हमने अभी यहाँ पे आपको सिर्फ रूबरू कराया मैप से, ठीक है, अफ्रीका के मैप से, अफ्रीका जो किस अवस्थिति में है, इसमें कौन कौन से देश हैं, थोड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण देश हो उसको मैंने देखा, हमने बताया आपको। और इसके बाद अगर आप सोचते हो कि सारे देशों का मैं नाम बताऊं, तो इतना तो मैं नहीं कर सकता, इतना करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपके लिए भी बोरिंग होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ वीडियो काफ़ी नहीं है, आपको अवश्य एक मैप अपने रूम में टंगे होना चाहिए, आपके पास एटलस होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप सारे देशों को देख सकते हैं, जो मुख्य देश हैं उसकी चर्चा तो मैंने किया है, इजिप्ट का चर्चा किया मैंने, अल्जीरिया का चर्चा किया मैंने, नाइजीरिया का चर्चा किया, ठीक है, मैंने मोरक्को का नाम भी बताया यहाँ पे, ठीक है, मैंने दक्षिण अफ्रीका की बात की, ठीक है, बोत्सवाना की बात की, नामीबिया की बात की, ठीक है, मैंने कांगो की बात की, तो जो भी हमारा जो मैंने सोमालिया की बात की, इथोपिया की बात की, तो जो भी हमारा मुख्य है, जो महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा तो मैंने किया ही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और देश को जानने की आप इच्छुक हैं कि और देशों के नाम जाने कौन कौन से देश है, तो उसको आप अपने एटलस में देख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी बातें समाहित करनी चाहिए थी इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने यहाँ पे किया। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे यूरोप की, ठीक है, उसके बाद एशिया की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। आमतौर पर लोग अध्ययन करते हैं, सबसे पहले एशिया की अध्ययन करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उधर से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने उत्तरी अमेरिका का अध्ययन कराया, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का, उसके बाद ये अफ्रीका का, उसके बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे यूरोप का, उसके बाद हम लोग करेंगे एशिया का, और लास्ट में हम लोग जाएंगे
ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं यूरोप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।